Good morning, students. Chemistry with DNA. I'm NAUMAN AHMAD, and today we are going to discuss some of the most important topics of chemical kinetics in physical chemistry. Today we are going to discuss the remaining part of integrated first law. In terms of pressure, we can say a pressure of system when there is a pressure. Pressure of system. So this is the important topic. Suppose we have a reactant A and it is getting converted into product P. So this can be aqueous form and in a gaseous state. If it is in aqueous, तो हम इसका क्या मालूम करते हैं concentration. और अगर हमारे पास गैस है तो हम इसका क्या मालूम करते हैं प्रेशर. तो ये हमने पहले डिस्कस कर दिया कि सपोज वी हैव अ सब्सटेंस ए एंड इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट पी. अगर ये एक्वस में तो हमने इसकी कंसंट्रेशन मालूम कर लिया था, इसका रेट भी हमने मालूम किया था. रेट हमारे पास था, रेट इज इक्वल टू के और कुछ भी हो सकता है. यहाँ पे जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, कोई भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकता है. तो अगर हमारे पास एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, सपोज अगर हमारे पास एक रिएक्शन है जिसको हम डिकम्पोजिशन, एक पिस्टन ले लेते हैं, इसमें सब्सटेंस ए है, इट इज डिकम्पोज इनटू बी में भी हो सकता है, सी में भी हो सकता है. यानी ये ऐसे हो सकता है कि ए इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू बी प्लस सी. तो कोफिशिएंट इनका वन 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 भी हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है कि ए टू टाइम बी वन टाइम सी, या ए इज इक्वल टू, या ए इज गेटिंग कन्वर्टिंग इनटू वन टाइम बी एंड टू टाइम सी. ये कुछ भी हो सकता है. आप जस्ट इमेजिन कर लें कि एक रिएक्शन है वो डिकम्पोज रिएक्शन, यानी ये रिएक्शन जो है ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है. तो ये तीनों केसेस आप कर सकते हैं. और हमारे लिए इसके इंट में जो हमारे रेट का जो आया था वो क्या आया था हमारे पास, 2.303 t log to the base 10 और कंसंट्रेशन ऑफ ए. और ये हमारे पास एक इक्वेशन आ चुकी थी ऑलरेडी. आज हमने थोड़ा सा इस इक्वेशन को अपने लिए थोड़ा सा और आसान करना है, इसी को आगे हम लेके जाना इन टर्म्स ऑफ प्रेशर. अभी हमने करना ये थोड़ा सा प्रीवियस था. अब अगर हम इसी को ये कहें कि हमारे पास एक रिएक्शन ए इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू बी एंड सी. अब ये ए, इसका इनिशियल प्रेशर मेरे पास पी नॉट, और अब जब टाइम इज इक्वल टू जीरो था तो जाहिर बात है इसका ना प्रेशर बी का होगा ना सी होगा. और जैसा ही टाइम टी हो जाता है तो हमारे पास पी नॉट माइनस एक्स, और ये भी एक्स और ये भी एक्स. कुछ स्टूडेंट अक्सर पूछते हैं कि ये आपका 2x क्यों है, x और x इसमें से निकल रहा है. तो मैं बड़ा आसान से एग्जाम्पल को देता हूँ. फर्स्ट करो ये NaCl है और इसके 10 मोल्स है. जब ये डिकम्पोज होता है तो Na पे प्लस आ जाता है और Cl पे नेगेटिव आ जाता है. तो ये 5 इसके आते हैं, 5 इसके आते हैं. तो अब जब हम इसमें से ये 10 माइनस 10 तो नहीं कर सकते, आप 10 माइनस 5 कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर 2 नहीं लिख सकते. तो ये चीज़ भी अक्सर बच्चों को कन्फ्यूज कर देती है, यहाँ पर हम 2x नहीं लिख सकते. अब अगर वो कहता है कि हमारे पास जो टाइम है फॉर द टाइम, अगर ये थोड़ा सा टाइम हमारे पास हो कुछ टाइम के बाद, ये जो है ना ये प्रोडक्ट कैसे बने, अगर इसका हम टोटल प्रेशर मालूम करना चाहें, इस पर अगर हम प्रेशर मालूम करना चाहें, टोटल प्रेशर, यहाँ पे टोटल प्रेशर मैं लिख देता हूँ, टोटल प्रेशर, तो वो क्या हो जाएगा, एक्स इन तीनों का सम होगा. तो वो क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स. तो इसके जो प्रेशर आएगा, अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो प्रेशर टोटल कितना आएगा, पी नॉट प्लस एक्स. और अगर एक्स मालूम करना है तो क्या हो जाएगा, पी टोटल माइनस पी नॉट. ये एक हमारे पास इसके वैल्यू आ सकती है जो कि हमने यहाँ पे इसमें पुट करनी होगी जब भी हम रिएक्शन करेंगे. तो ये तो हमें हमारे पास एक केस आ सकता है. अब अगर हमने यही वैल्यू हम इसको डिराइव कर लें और इसमें पुट कर लें, जैसे हमारे पास k की वैल्यू थी 2.303 t log to the base 10 और हमारे पास p नॉट और
पी टॉट रिवर। अब मैं इसको कंसंट्रेशन के टर्म में नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि जो ये है ना ये कंसंट्रेशन प्रेशर के लिए हम जो है ना स्क्वायर ब्रैकेट नहीं यूज करते। अब अगर हमने इसी में इसी इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है तो हम कैसे पुट करेंगे, हमें पता है कि हमारे पास जो पी टी है ये वाला ये क्या है पी माइनस एक्स है तो हम इसमें ऐसे क्या मालूम कर सकते हैं, यही है ना हमारे पास प्रेशर, तो ये हो सकता है कि 2.303 लॉग टू द बेस 10 पी नॉट और पी नॉट माइनस एक्स। और अगर अब हम इसमें x की वैल्यू पुट कर लें, जो कि x की वैल्यू मैंने ऑलरेडी यहाँ पुट की हुई, तो यहाँ पे x की वैल्यू हम लगाएंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा 2.303 t log to the base 10 p naught minus और ये pt minus p naught 2.303 t log to the base 10 ये p naught और ये p naught minus pt minus minus plus p naught, तो p naught और p naught 2 p naught हो जाएगा 2.303 t log to the base 10 p naught और ये p naught और p naught ये हो जाएगा तो 2 p naught minus p t, ये आपके पास वैल्यू आ गई है एक, हमारे पास ये एक वैल्यू आ गई है, इसको इक्वेशन नंबर वन कहेंगे। अब अगर हमारे पास ये जो इनफाइनाइट दिया गया, इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है कि हमारे पास ये रिएक्शन बिल्कुल इनफाइनाइट हो जाए, यानी टी हमारे पास क्या हो जाता है इनफाइनाइट, तो जारी बात है ये जीरो हो जाएगा और ये पी नॉट और ये क्या हो जाएगा पी नॉट। अब इस समय में हमारे पास क्या इक्वेशन आई, अब अगर हम इसका टोटल प्रेशर इसका इनफाइनाइट पे मालूम करना चाहे प्रेशर एट फाइन, तो हम क्या कहेंगे पी नॉट प्लस पी नॉट, इन दोनों को प्लस करेंगे तो p infinite is equal to 2 p naught, और अगर हमने p naught मालूम करना है तो इसको p naught को इधर लें तो 2 divided by one minute, अगर हमने p naught मालूम करना है तो हमारे पास आएगा p infinite divided by 2, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू हमारे पास ये आई है p naught की आ गई, इसको हमने एक और इक्वेशन में पुट करनी है। तो अब उसी इक्वेशन को हम दोबारा डिराइव कर लेते हैं, अब इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इस इक्वेशन को जो है ना k इज इक्वल टू 2.303 t log टू द बेस 10 और यहां पर हमारे पास पी नॉट, पी नॉट की जगह ये वैल्यू लगाना है तो पी इनफाइनाइट बाय 2 ये मेरे पास, और दूसरा क्या था हमारे पास इसकी जगह पर क्या था पी नॉट, बल्कि मैं एक ही दफा लिख देता हूँ फिर उसमें मेरी वैल्यू पुट कर लेता हूँ, पहले क्या था आपके पास पी नॉट और दूसरा पी नॉट माइनस एक्स, तो अब इसमें पी नॉट की जगह पे ये पुट कर लेते हैं ये वैल्यू और एक्स की जगह पर ये, तो ये इक्वेशन आ जाएगी 303 log to the base 10 p naught की जगह पे p infinite by 2 divided by p naught की जगह p infinite by 2 minus और x की जगह पर pt minus p naught pt minus p naught और p naught की जगह दोबारा यही वैल्यू लगा दे यही, तो ये थोड़ा सा और भी आसान हो जाएगा 2.303 divided by t log to the base 10 p infinite by 2 divided by p infinite by 2 minus bracket में क्या जाएगा pt और minus p infinite by 2, अब इस bracket को खोल देंगे तो ये आपके पास 2.303 by t log 10 log to the base 10 p infinite by 2 divided by p infinite by 2 minus और ये pt plus p infinite by 2 और ये दोनों plus हो जाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा तो
हमारे पास ये वैल्यू, इसको थोड़ा सा और एलिबोरेट कर लेता हूँ, आसान कर लेता हूँ आपके लिए। टू पॉइंट 303 ये आ जाएगा आपके पास log to the base 10 और p infinite by 2 और p infinite by 2 minus pt plus p infinite by 2, ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो k is equal to 2.303 t log to the base 10। अब ये दोनों प्लस हो के 2p not p infinity by 2 minus p or t, इसे ये कैंसिल हो जाएगा तो k is equal to 2.303 t log to the base 10 p 2 p infinite minus p t। ये बाहर चला जाएगा तो ये ही, इसके आसान टर्म में हम इसको ये लिख सकेंगे 2.303 by t log to the base 10। अब ये बाहर आ जाएगा तो p infinite 2 p infinite minus p t, ये कैपिटल p है। तो ये आपके पास इक्वेशन सेकंड डेरिवेशन आ गई इनफाइनाइट के लिए। अब अगर दोनों फार्मूलाज को कंपेयर कर ले, अब दोनों फार्मूलाज को कंपेयर कर ले तो हमें कैसे पता चलेगा कि इन दोनों में क्या माइनर फर्क है। तो दोनों फार्मूले को कंपेयर करने के लिए दोनों फार्मूलों को लिखना पड़ेगा। फार्मूला नंबर वन हमने जो डिराइव किया वो क्या था, फार्मूला वन एंड फार्मूला टू। इसके लिए भी k इज इक्वल टू 2.303 t log to the base 10। पहला जो फार्मूला हमने डिराइव किया था उसका फार्मूला जो हमारे पास था, वो जो फार्मूला आया था क्या था, वो आपके पास फार्मूला अभी थोड़ा सा हमने इसको डिराइव जो किया था वो क्या था, p नॉट डिवाइडेड बाय और थोड़ा सा 2p नॉट माइनस और इसके पास पी टी, फार्मूला नंबर वन था जो कि हमने डिराइव किया। जबकि अभी जो हमने फार्मूला डिराइव किया वो था 2.303 t log to the base 10। उसमें क्या था, पी इनफाइनाइट टू पी इनफाइनाइट माइनस पी टी, ये फार्मूला नंबर टू। अब आप थोड़ा सा इसमें माइनर फर्क देख लें कि दोनों फार्मूले में जो डिफरेंस है वो किस चीज़ का आ रहा है, वो यहाँ पे पी नाट एक ये फार्मूले का फ़र्क है और एक ये फ़र्क है, यहाँ पे टू पी नाट है और यहाँ पे टू लेकिन पी इन्फिनिटी के साथ है। तो दीज आर द टू इम्पोर्टेंट फार्मूलाज, इम्पोर्टेंट फार्मूलाज। तो इंटीग्रेटेड फर्स्ट लॉ इन टर्म ऑफ प्रेशर में हमने ये दो फार्मूले डिराइव कर दिए। आने वाले समय में, आने वाले वक्त में हम इसी फार्मूले से कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब इन न्यूमेरिकल में कौन से फार्मूले किस तरह यूज होते हैं इसी में हम अगली वीडियो पे हम बेस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।